और अब बात दिल्ली में शीला सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट बीआरटी कॉरिडोर पर हथौड़े की करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक समारोह में हथौड़ा चलाकर बाकायदा बीआरटी कॉरिडोर को तोड़ने की शुरुआत की। 190 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बना था शीला दीक्षित सरकार के समय पर, जिसे तोड़ने में 12 करोड़ का खर्च आएगा। तोड़ने की ये कार्रवाई रात में भी चलेगी, रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बीआरटी कॉरिडोर को तोड़ा जाएगा और फरवरी तक बीआरटी कॉरिडोर तोड़ दिया जाएगा। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बीआरटी कॉरिडोर को तोड़ रहे हैं। सुनते तो आए थे कि बीआरटी तो टूटेगा, बीआरटी टूटेगा। आम आदमी पार्टी वालों ने भी कह दिया था, अपने चुनाव में ही कह दिया था। मैं खुद कह के गया था, प्रकाश के यहाँ विधानसभा में आया था, मैंने इसको सरकार में आएंगे तो तोड़ेंगे। लेकिन इंतजार कर रहे थे लोग, क्योंकि ये शायद देश की पहली ऐसी सड़क होगी जिसके तोड़ने पे लोग खुश हो रहे हैं। लोग हमेशा इंतजार करते हैं सड़क बनने का, लोग इंतजार करते हैं दूर दराज में, गाँव में, देहात में, शहरों में सड़क बन जाए, सड़क बन जाए। आज भी कई इलाकों से लोग आते हैं, अनोथराइज कॉलोनी से लोग आते हैं, जी सड़क बनवा दो। लेकिन ये पहली ऐसी योजना है जिसको लोग कहने आते थे भैया इसको तोड़वा दो। अमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, दो सरकारें जब बदल जाती हैं तो किस तरह से जनता का पैसा बर्बाद किया जाता है, शायद बीआरटी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पहले इसे बनाने में पैसा लगा, अब इसे तोड़ने में 12 करोड़ की लागत आएगी। अमित से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरे मामले में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार अब शीला दीक्षित पर यह आरोप लगा रही है कि उनके समय में बिना सोचे समझे ये निर्णय लिया गया। पूरे मामले में शीला दीक्षित से बात की हमारे संवाददाता प्रमिला दीक्षित ने। दिल्ली का बीआरटी कॉरिडोर शुरू से ही विवादों में रहा है और अब आम आदमी पार्टी की सरकार इसे स्क्रैप कर रही है, खत्म कर रही है। हमारे साथ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हैं। शीला जी, आपका बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर था और अब उसे स्क्रैप किया जा रहा है, क्या लगता है खामियां थी बाद में नहीं देखा गया जिन्हें? नहीं, ये प्रोजेक्ट तो हमें चार जगह करना था, लेकिन हमने जानबूझकर सब कंसल्टेशन के बाद नेशनल इंटरनेशनल सब लोगों को कंसल्ट करा और ये नतीजे पर पहुँचे। पर इस कॉरिडोर को पहले ट्राई कर लें, उसके बाद में औरों को ट्राई करेंगे। ये चला, अच्छा चला, लेकिन इसके बाद जब इस पर अटेंशन नहीं दिया गया तो ट्रैफिक भी रूल्स ब्रेक होने लगे, बसेस की लाइंस भी ठीक नहीं चली और केओस हो गया। तो अब केजरीवाल जी ने सोचा इसको स्क्रैप करना के लिए तो ठीक है, उनका कैबिनेट का डिसीजन है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि उसको वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते और करते तो पैसा भी ना जाया जाता और एक ऐसा मिसाल हो जाती, शायद देश भर के लिए अच्छी होती। टेस्ट कराने की भी मांग की थी। सलविंदर सिंह की दलील है कि वो सच बोल रहे हैं और इससे ये साबित भी हो जाएगा। गौरतलब है कि सलविंदर सिंह ने भी सबसे पहले पठानकोट के आतंकवादियों का सामना किया था।